ओलंपिक में मेडल बहुत कम जीतता है तो रोना रोते हैं, शर्म से माथा झुक जाता है के भीतर से, गरीब बच्चों के भीतर से बढ़िया ट्रेनिंग और सिलेक्शन नहीं हो रहा, भेदभाव मचा हुआ। ये तब याद आता, होश आता है जब देश में मेडल का अभाव हो जाता है, जब छोटा छोटा देश मेडल दुनिया भर के ले आता, जब खेती थी, जल जंगल जमीन आदिवासी के हाथ में था तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित था। ये सपना भूल जाइए कि फिर से वही जमींदारी आ जाएगी, सिक्कड़ में बांध करके किसी को पीटेंगे। ओलंपिक में मेडल बहुत कम जीतता है तो रोना रोते हैं, शर्म से माथा झुक जाता, नीचे से गरीब बच्चों का, आदिवासियों के भीतर से, दलितों के भीतर से, गरीब बच्चों के भीतर से बढ़िया ट्रेनिंग और सिलेक्शन नहीं हो रहा, भेदभाव मचा हुआ। ये तब याद आता, होश आता है जब देश में मेडल का अभाव हो जाता है, जब छोटा छोटा देश मेडल दुनिया भर के ले आता। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक लकड़ी पकड़ा दिया गया है कुछ लोगों बीजेपी के जरिए, वो लकड़ी क्या है, तुम्हारी जमींदारी हम वापस कर देंगे, तुम्हारा सामंतवाद और रुतबा हम वापस कर देंगे। हम कहना चाहते हैं कि अब ये वापस नहीं होने वाला है, यहां बैठे हुए लोग वापस नहीं होने देंगे उसको। अब काफी जागरूकता फैल गई है समाज के दबे कुचले हिस्सों में, उनके भी बुद्धिजीवी हो गए हैं, उनके भी प्रोफेसर हो गए हैं, उनके भी कुछ ही सही लेकिन आईएएस ऑफिसर्स हो गए हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। इसलिए ये सपना भूल जाइए कि फिर से वही जमींदारी आ जाएगी, सिक्कड़ में बांध करके किसी को पीटेंगे। वो राज अब नहीं लौटने वाला है, इसलिए वो दिमाग से निकाल दीजिए। इस चुनाव में भी हमने देखा कि हम तो संविधान की, लोकतंत्र की, खेती को, कॉर्पोरेट को नीलाम कर देने के सवाल की, नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, मणिपुर को मुंह खोलो इसकी बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग केवल अपनी जाति पहचान देख रहे हैं और वे जाति पहचान में सिमट के रह गए। जनता ने हमारे मुद्दों को रिसीव किया और हमारा साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ, और हम लोग जीते, वो लोग हारे। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इस अभियान को जारी रखना है, और मैं इसीलिए आया, आपका साथ देने, समर्थन देने, और जब भी मौका मिलेगा तो पार्लियामेंट में इस आवाज को बुलंद करना, इसी के लिए कि देश में इसकी जरूरत पड़ गई। हमने अभी बजट भाषण होने वाला है, इसमें मौका मिला तो मैं बोलूंगा कि जब समाज के सबसे अंतिम आदमी के हाथ में जमीन रही, लैंड रिफॉर्म की बात हुई, तो जमीन का नेचर नहीं बदला कम से कम, वो कृषि योग्य भूमि रह गई। लेकिन ये जो कंपनी को जमीन दे रहे हैं, नेचर बदल जा रहा है। 2007 में एक भूमि नीति बनी थी जिसमें कहा गया था कि अब खेती योग्य जमीन का दूसरे मद में ट्रांसफर अंतिम विकल्प के बतौर किया जाएगा और देश के कलेक्टर्स इसकी देखभाल करेंगे। लेकिन इतना दिन से हम लोग भी हैं राजनीति में, आंदोलन में, किसान आंदोलन में भी हैं, देश का एक कलेक्टर मुझे नहीं मिला जो भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों के पक्ष में खड़ा, जो खेती की जमीन बचाने के पक्ष में खड़ा, वो सीधा सीधी कंपनी के पक्ष में खड़ा होकर के किसानों का सर तोड़ता हुआ दिखाई दिया हिंदुस्तान भर में। तो आबादी बढ़ रही है, गौरव के साथ कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हम आबादी वाला देश हो गए,
चीन को हमने पीछे छोड़ दिया और खेती योग्य जमीन घट रही है, तो फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में चौथे साल हम लगातार नीचे की रहे हैं, भूख का भूगोल बढ़ा है। इसलिए नेशनल, हमने तो कहा कि पूरे पॉलिसी ओरिएंटेशन को चेंज करिए, ये जो कॉरपोरेट राज की तरफ बढ़ रहे हैं आप, कुछ मुट्ठी भर लोगों को सारा पैसा उनके हाथ में दे रहे हैं, इसने अब धरती को खतरनाक बना दिया है। इस बार के लू में जब चुनाव चल रहे थे, बिहार में एक दिन में 62 लोग लू लगने से मर गए। तो जो लोग अपने को समझ रहे हैं कि हमारा तो एसी घर है, एसी ऑफिस है और एसी कार है, हम सुरक्षित हैं, हमें लू नहीं लगे, लेकिन सामान्य आदमी को, गरीब को, दलित को, पिछड़ा वर्ग को, मजदूर को, किसान को तो बाहर जाना है, कर्मचारी को बाहर जाना है ड्यूटी में। तो धरती को इतना गर्म मत कर दो कि आदमी जिंदा न रहे। तो बात तो यहां पहुंच गई, जब खेती थी, जल जंगल जमीन आदिवासी के हाथ में था तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित था, हवा सांस लेने लायक थी, पानी पीने लायक था। आज सब कुछ को बर्बाद कर रहे हैं आप कंपनी राज लाने में। इसलिए इस पूरे पॉलिसी पर रिव्यू करिए, एक जगह ठहर करके, आपको इस बार ठहर करके सोचने का ही मैंडेट है। 240 सीट का मतलब क्या है कि रुको रुको, ठहरो और सोचो। लेकिन चालाकी वो दिखा रहे हैं क्या? अब कह रहे हैं कि हम ही कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े हिमायती चुनाव के बाद। ये जनादेश हमें नीतियों को जारी रखने के लिए मिला, ये दो भाषा बोलना, तो ये बेईमानी है, ये सरासर बेईमानी है। और इस बेईमानी के खिलाफ एक बार फिर उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली। अब तो नारे उलट गए, अयोध्या बद्रीनाथ झांकी है, अयोध्या काशी बाकी है, तो नारों का अर्थ उलट गया, मतलब बदल गया। तो इसीलिए संभालिए, देश में तानाशाही भरे कदमों को पीछे हटाइए और लोकतंत्र को मजबूत करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने जो संविधान दिया है, जिसमें कहा गया था कि इस देश को एक रखना है तो धर्मनिरपेक्षता पर अमल करना होगा, और आगे जाना है तो समाजवाद तक जाने का मंजिल रखना होगा। आप इन्हीं दोनों शब्दों को निकालने के फेरा में लगे हुए। आजादी के बाद हमें वहीं खड़ा नहीं रहना था, हमें समाजवाद तक जाना था, समतामूलक समाज तक जाना था। तो इस मिशन में आप हैं, आपकी लड़ाई है। बहुत विद्वान साथियों ने आंकड़ों के साथ बहालियों में और तमाम चीजों में सूत्र पेश किए हैं कि कहां कहां डिस्क्रिमिनेशन है, मैं उतना डिटेल में नहीं गया, लेकिन आपकी जो समग्र लड़ाई है वो डिस्क्रिमिनेशन को, असमानता को, विषमता को खत्म करने की है और समतामूलक समाज बनाने की तरफ है। तो मैं आपका अभिनंदन करते हुए, आपको शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।